हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फ्यूचर एंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जाली निकालने के 3 तरीके, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि जाली निकालना किस तरीके से है। देखिए कि हमारे पास कम्प्लीटली पैक्ड जाली का मदरबोर्ड है, या इसको आप शील्ड भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको पतरा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसी तरीके की शील्ड आजकल आपके वीवो ओप्पो के नए हैंडसेट्स में भी आ रही है और सैमसंग में भी आ रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कैसे डिसअसेंबल होगी बोर्ड से। पीसीबी स्टैंड में मैं इसको सेट कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे रखना है कि आपके पास 11 नंबर ब्लेड होनी चाहिए और एक बेहतर क्वालिटी की असेंबली होनी चाहिए। तो देखिए करना क्या है, किसी भी जाली को निकालने के लिए सबसे पहले आपको चारों साइड इसको पंचर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर रहेगा हमारा यहाँ पे 350 और एयर रहेगी अप्रॉक्स 5 to 6। देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे पंचर कर लिया, तो आपको हीट करते रहना है। फ्लक्स पेस्ट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि तो फ्लक्स पेस्ट लगाने से अंदर के कंपोनेंट जो है वो लूज हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी जाली कितनी आसान तरीके से निकल आई है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। आप चाहें तो वापस इसको लगा सकते हैं। चलिए एक बार आपको यही प्रोसेस फिर से करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये शील्ड है, देखिए इसको चारों साइड से आप हिट करेंगे और किसी भी एक साइड से आपको पंचर करनी है, ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा हीट करके निकालने का प्रोसेस। अब इसको कट करने का प्रोसेस देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा आईसी ग्राइंडर का, जिससे कि हमारी शील्ड बिना हीटिंग के निकला है। आपको बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये डिसबैलेंस बहुत होती है। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस है हमारा विदाउट हीटिंग के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक दूसरी ब्लेड का इस्तेमाल और करूँगा, क्योंकि साइड से मैंने इसका जो शील्ड है उसको थिन कर दिया है, या आप कह सकते हैं ग्राइंड करके पतला कर दिया है। अब इसमें कटिंग ब्लेड लगाएंगे एक आगे। इस प्रोसेस को करते समय आप बोर्डिंग में जाकर ये देख सकते हैं कि नीचे साइड पे कंपोनेंट्स कितने हैं। इस तरीके से अगर आप शील्ड निकालते हैं तो मदरबोर्ड को डैमेज कम होता है, बस हालांकि आप बाद में इसमें शील्ड लगा नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, शील्ड हमारी कट चुकी है। मैं आपको कटर की सहायता से इसको निकाल कर दिखाता हूँ। हालांकि देखिए, मशीन के वाइब्रेशन से साइड की शील्ड जो है वो हट गई है। अब आप चाहो तो इसको कटर की सहायता से भी उठा सकते हो। कितने आराम से आपकी ये शील्ड निकल आई है, आप कटर की सहायता से भी इसको कट कर सकते हो। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो कटर की सहायता से भी इस शील्ड को निकाल सकते हो। देखिए कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब नॉर्मल प्लायर कटर से कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो। देखिए एक ही मदरबोर्ड है हमारे पास, इसमें कटिंग करने का तरीका आपको दिखाते हैं। अगर आप कटर से कट करना चाहते हैं तो पहले आप कॉर्नर टू कॉर्नर कट करिए। ठीक है, जैसे कि आप ये बीच वाली देख रहे हो, पहले आप इसको कट करो। देखिए कटर की सहायता से हम लोगों ने चारों साइड से कट कर लिया है। अब आप किसी एक साइड से इसको पुल कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कट किया। अब इसको आप आराम आराम से
प्लायर की सहायता से उठा सकते हो इस तरीके से। ये उन भाइयों के लिए हैं जो काम नहीं कर पाते हैं या जो फ्रेशर्स हैं, बाकी जितने भी एक्सपर्ट भाई वो तो ये सारा काम कर ही रहे हैं काफ़ी वक्त से। अगर आपके पास कटर बहुत अच्छी वैरायटी का है तो ये काम आपका और भी अच्छा होगा, जितना अच्छा प्लायर होगा उतना अच्छा वर्क होगा आपका। देखिए दोस्तों, ये हमारे हैंडसेट की जाली निकल चुकी है, जिसे जाली भी बोलते हैं, शील्ड भी बोलते हैं, या फिर आप इसको, बहुत सारे लोग इसको पतरा बोलते हैं। देखिए शील्ड हमारी निकल चुकी है। इस प्रोसेस से अगर आप निकालेंगे तो आपका वर्क बिल्कुल फाइन होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि इस तरीके की पैक शील्ड कैसे निकलेगी, तो उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा खास टेक्निक नहीं है। आप किसी भी कॉर्नर से होल्ड कर लीजिए कटर से, या दूसरे बोर्ड पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड ये है हमारे पास, इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखिए ये है, साइड से इसको होल्ड कर लिया और ऊपर की तरफ पुल कर दिया। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से होल्ड किया, अब ऊपर की तरफ पुल कर देंगे। ये देखिए, देखिए कितनी आसानी से जाली निकल आई है, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।